माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम अपने अकाउंटेंसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो किस तरह से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्ड होते हैं बैलेंस शीट के, प्रॉफिट लॉस के, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस शीट का एक जो फॉर्मेट है कंपनी एक्ट 2013 में, जो एक वर्टिकल फॉर्मेट है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास लाइबिलिटी और एसेट दो साइड होती है। लाइबिलिटी में हमारे पास तीन मेजर हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। और हमारे पास एसेट साइड में दो मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए इन मेजर हेड के सब हेड भी। जैसे शेयर होल्डर फंड में सब हेड क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर इशू अगेंस्ट वारंट। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपको करंट लाइबिलिटी में पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटीज आती है इसके अंदर। एसेट में नॉन करंट एसेट, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स आती है, उनके पार्ट आपको पता होना चाहिए। और करंट एसेट जो है आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट में आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश का आइटम, आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आते हैं। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए, तब आपको बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। आइए इसके एक इलुस्ट्रेशन हम सोल्ड करते हैं। इलुस्ट्रेशन फर्स्ट डी के गोल्ड बुक के अकॉर्डिंग हम इसकी सोल्ड करते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ये बनती है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। जैसे इलुस्ट्रेशन वन दे रखी है आपको, आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है एक्स लिमिटेड की, जिसमें आपके पास दो ईयर है, एक प्रीवियस ईयर होगा, एक करंट ईयर होगा। क्वेश्चन में 2018 और 2019 दो ईयर दे रखे हैं, तो मैं मान के चलूंगा 2018 हमारा प्रीवियस ईयर है और 2019 हमारा करंट ईयर है। तो कैसे बनेगी, ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट इलुस्ट्रेशन वन में कम्प्लीट आइटम खुद से दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उन आइटम को एज इट इज। जैसे कि आपके पास शेयर होल्डर फंड के आइटम है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट के आइटम आपको गिवन है, आपने इन आइटम्स को लिख लेना है। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर सुनिए, या आपके पास नोट का कॉलम हो गया, अगर कोई नोट आता है तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कॉलम है ए, इसका नाम है ए कॉलम, इसके अंदर आएगा आपका प्रीवियस ईयर, याद रखना इसमें प्रीवियस ईयर के आइटम लिखे जाएंगे। बी कॉलम में लिखे जाएंगे आपके करंट ईयर के आइटम्स। सी है आपका अब्सोल्युट चेंज के लिए, अब्सोल्युट चेंज कैसे निकलता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बी माइनस ए मतलब कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इसका फॉर्मूला होगा। और एंड में निकलेगा आपके पास डी, और डी क्या है आपके लिए, वो है परसेंटेज निकालने के लिए, अब्सोल्युट परसेंटेज। अब्सोल्युट परसेंटेज कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला मैंने राइट डाउन किया हुआ है, सी डिवाइड बाय ए इंटू 100, मतलब अब्सोल्युट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास में सबसे पहले शेयर कैपिटल है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर आएगा, तो प्रीवियस ईयर आपके पास में 5 लाख रुपए है और आपके पास में करंट ईयर कितना है, 10 लाख रुपीज है। आइटम लिखते जाएंगे, उसके बाद आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास में प्रीवियस ईयर है 3 लाख रुपीज और करंट ईयर है आपके पास में 2 लाख रुपीज। क्लियर है, गलती नहीं करना। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है आपके पास, करंट प्रीवियस ईयर है 5 लाख रुपीज और करंट ईयर है 8 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेड पेबल दे रखा है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर में है 2 लाख रुपए और करंट ईयर में है आपके पास में 4 लाख रुपए। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। टोटल में आप देख पा रहे होंगे कि 2018 का जब टोटल करेंगे तो आपके पास 15 लाख रुपीज आ गए, और 2019 का जब टोटल करेंगे तो 24 लाख आ गए। क्लियर है, समझ गए यहां तक, इतना आपको क्लियर है। तो उसके बाद अब जो चेंज निकालिए, सी निकालेंगे बी माइनस ए करके, 10 लाख में से 5 लाख गया तो पॉजिटिव 5 लाख आया, मतलब इंक्रीजिंग बैलेंस है। 2 लाख से 3 लाख हो गया, मतलब कि 1 लाख रुपया वो क्या हो गया है आपका, घट गया है, नेगेटिव का बैलेंस है, ब्रैकेट शोज द नेगेटिव बैलेंस। 8 लाख से 5 लाख 3 लाख हो गया है, 3 लाख आपके पास पॉजिटिव है। 4 लाख से 2 लाख हो गया,
दो लाख आपके पास क्या पॉजिटिव है, 24 लाख से 15 लाख तो 9 लाख आपके पास क्या है पॉजिटिव का इंक्रीजिंग बैलेंस है। अब जुलेट चेंज निकल गया आपके पास में, अब आपको निकालना है परसेंटेज ईच आइटम का। परसेंटेज कैसे निकलेगा, सी डिवाइड बाय ए इंटू 100, मतलब मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा 5 लाख डिवाइड बाय में 5 लाख, क्योंकि प्रीवियस ईयर का 5 लाख है, इंटू में 100, कितना आ गया आपके पास 100% आ गया। क्लियर है, इस आइटम का अगर आपको अब्जुलेट परसेंटेज निकालना है तो क्या 1 लाख नेगेटिव की फॉर्म में है, 1 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कितना 3 लाख इंटू में 100, आपके पास ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 33.33। लेकिन याद रखना ये ब्रैकेट में शो करना है, ब्रैकेट का मतलब ये नेगेटिव का बैलेंस जो है अब्जुलेट परसेंटेज का है। एज ऑन आपको सभी का करना है 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 60%, ठीक है, और 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 100%, और सेम एज इट इज टोटल का भी कर लीजिए 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। क्लियर है स्टूडेंट, समझ गए। इस तरीके से आपको लाइबिलिटी का परसेंट निकालना, और सेम फॉर्मूला आपको किसके लिए भी अपनाना है, सेम फॉर्मूला आपको एसेट के लिए अपनाना है। नीचे आपके पास एसेट का आइटम गिवन है, लाइक टेंजिबल एसेट आपके पास प्रीवियस ईयर कितनी है 8 लाख है, ठीक है, और करंट ईयर कितनी है 14 लाख है। अगर डिफरेंस की बात करें तो कितना आ गया 6 लाख का बुलेट चेंजमेंट आ गया, 75% क्या आ गया ये आपका अबुलेट परसेंटेज आ गया। क्लियर है, इंटेंजिबल एसेट की बात करें ये 2 लाख है प्रीवियस ईयर में और 3 लाख है करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर में करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाएंगे 1 लाख रुपए आपके पास पॉजिटिव बैलेंस आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया 50%। उसके बाद इन्वेंट्रीज दे रखी है 4 लाख है प्रीवियस ईयर में और 5 लाख है आपके पास में करंट ईयर में, ठीक है, तो आपके पास 1 लाख का चेंज आ गया, और 1 लाख का चेंज इसका मतलब 50% क्या आ गया अब्सोल्यूट परसेंटेज आ गया। क्लियर है, उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 1 लाख है आपके पास में, अभी 2 लाख हो गया है आपके पास, मतलब 1 लाख रुपए का अब्सोल्यूट चेंज आ गया, इसका मतलब ये भी आपके पास कितना होगा 50%। क्लियर है स्टूडेंट, अब एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा लाइबिलिटी और एसेट का टोटल इक्वल होता है, प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी का टोटल 15 लाख है, एसेट का टोटल करके देखें 15 लाख ही आएगा, प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी का टोटल लाइबिलिटी का टोटल कितना करंट ईयर का 24 लाख, तो करंट का भी एसेट का टोटल कितना आएगा 24 लाख रुपए आएगा। क्लियर है, और आपके पास ये चेंजमेंट कितना आ जाएगा, वो 9 लाख रुपीज का चेंजमेंट आएगा, और इसका भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60%। क्लियर है स्टूडेंट, इस तरीके से जो है आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करने हैं। आइए एक और इलुस्ट्रेशन हम लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है और थोड़ा सा समझने की कोशिश, तो आइए स्टूडेंट एक और इलुस्ट्रेशन करते हैं। देखिए इलुस्ट्रेशन सेकंड एक मैं आपके पास ले रहा हूँ, ये इलुस्ट्रेशन पहले वाले से कैसे चेंज है, इस इलुस्ट्रेशन में आपको पहले से बैलेंस शीट बना करके नहीं दे रखी, सॉरी स्टूडेंट पहले से बैलेंस शीट बना करके आपको नहीं दे रखी है, आपको खुद से बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, आपको आइटम दिए हुए, तो क्वेश्चन में देखिए मैंने एक बार अपने आप से ही जो है एक इमेजिनरी बैलेंस शीट और उसके मेजर हेड सब हेड लिख लिया। तो मेजर हेड हमारे पास लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी होता है, और एसेट साइड में मेजर हेड नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होता है, इनके जो भी आइटम होंगे मैं वन बाय वन इनको डालते रहूंगा उसके अंदर और उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रहेगा प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर देन अब्सोल्यूट चेंज एंड इन द एंड हमारे पास अब्सोल्यूट परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस है, अब रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में कितना है 6 लाख रुपीज का, और करंट ईयर में ये हमारे पास कितना है 12 लाख रुपीज का। क्लियर है, उसके बाद हमारे पास शेयर कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल कितने रुपए की हमारे पास 10 लाख और 10 लाख। क्लियर है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में ट्रेड पेबल दे रखा है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेड पेबल करंट ईयर लीजिए और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर हमारे पास है 12,70,000
एंड द प्रीवियस ईयर इज 9 लाख रुपीज। क्लियर है। उसके बाद हमको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट। और लैंड एंड बिल्डिंग का करंट और प्रीवियस ईयर ले लीजिए 15 लाख, तो है इसका करंट ईयर 15 लाख और प्रीवियस ईयर इज 16 लाख। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में हमको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, तो प्लांट एंड मशीन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास प्रीवियस ईयर में थी 5 लाख रुपीज की और करंट ईयर में है 6,30,000 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद हमें गुडविल दिया हुआ है, गुडविल भी नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल एसेट का पार्ट होता है, तो गुडविल हमारे पास प्रीवियस ईयर में तो थी 1 लाख रुपीज की और करंट ईयर में है 0, खत्म हो चुकी है। उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट की बात ली हुई है, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट भी आपकी नॉन करंट एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी प्रीवियस ईयर में और 1,20,000 है हमारे पास करंट ईयर में। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे करंट एसेट के बारे में सीधा ही दिया हुआ है कि करंट एसेट प्रीवियस ईयर थी 8 लाख रुपीज की और करंट ईयर में है 15,20,000 रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट। अभी आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 लाख और 4 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख और यहाँ लिख देंगे 4 लाख। क्लियर है स्टूडेंट। इस वजह से मैं आपको बोलता था कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, अगर फॉर्मेट याद नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है, गुडविल नॉन करंट एसेट का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट का पार्ट है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए फॉर्मेट में। ठीक है, बस फिर अब आपके लिए क्वेश्चन हूबहू वैसा ही हो गया जैसा पीछे क्वेश्चन था। टोटल कर लीजिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी का, तो ये आपके पास में 30 लाख रुपीज होगा और ये आपके पास 38,70,000 रुपीज होगा। ठीक है, और प्रीवियस और करंट ईयर की एसेट का भी टोटल करेंगे तो वो लायबिलिटीज के इक्वल ही आता है, 30 लाख और 38,70,000। क्लियर है स्टूडेंट, समझ गए इस चीज को। बस अब उसके बाद में आपको ऑब्जुलेट चेंजमेंट निकाल लेना है, ये आपके पास में 0 आ जाएगा, 12 लाख से 6 लाख, ये 6 लाख का ऑब्जुलेट चेंज आ गया आपके पास, 4 लाख से 5 लाख, ये 1 लाख का नेगेटिव आ गया, 12,70,000 में से 9 लाख जाएंगे आपके पास, 3,70,000 रुपए ये भी आपके पास पॉजिटिव आ गया, 8,70,000 रुपए का आपके पास यहाँ टोटल का ऑब्जुलेट चेंज आ जाएगा, 16 लाख से 15 लाख, 1 लाख रुपए का यहाँ पे आपके पास ऑब्जुलेट चेंजमेंट आ गया, 6,30,000 से 5 लाख है तो 1,30,000 रुपए का यहाँ पे आपके पास ऑब्जुलेट चेंज है, ये आपके पास 1 लाख का चेंज आ जाएगा। ठीक है, 1,20,000 में से 1 लाख जाएंगे, 20,000 आपके पास में ये चेंज आ जाएगा, 15,20,000 में से 8,07,20,000 का आपके पास ये चेंज आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन द एंड टोटल का चेंज आपके पास 8,70,000 की रिमेनिंग होगा। क्लियर है। फिर आपको इन द एंड परसेंटेज निकालना, परसेंटेज का वही फॉर्मूला रहेगा, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100, वो आप कर सकते हैं, सबके लिए सेम ही रहता है, बार बार चेंज नहीं होगा, आप करके देखेगा, 100% फर्स्ट का आप छोड़ दीजिए, ये आपके पास 20% नेगेटिव का बैलेंस आ जाएगा, 41.11% आपके पास आ जाएगा, इसका परसेंटेज 29% आ जाएगा आपके पास, इनका चेंजमेंट देखेंगे 11.50%, ये 100%, ये 20%, ये आपके पास 90%। ठीक है, और इन द एंड आपके पास 29%। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ये आपके पास था। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट लॉस के जो है क्वेश्चन को किया जाता है, तब तक के लिए आप बैलेंस शीट के क्वेश्चन पे जो है प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।